हजरत नूह का तस्किरा कुरान मजीद में यानी इस जगह आ रहा है। हजरत आदम की औलाद दुनिया में खूब बढ़ी, आहिस्ता आहिस्ता ये खुदा को भूलती गई जिसने उसे पैदा किया था और जो उनका पालने वाला है, और शैतान के बहकाए में आने लगे जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया था। शैतान के बहकाए में आकर ये लोग बुतों और आग, सूरज वगैरह को पूजने लगे और एक खुदा के बजाय मिट्टी और पत्थर के बहुत से खुदा बना लिए, अपने हाथ से अपना खुदा बनाते और फिर उनसे मानते। हालांकि यह मिट्टी और पत्थर के खुदा अपने लिए भी कुछ न कर सकते थे, उनके लिए क्या करते। अल्लाह ताला जो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है, उसको ये कभी गवारा नहीं कि उसके बंदे शैतान के बहकाए में आकर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगे और उसकी सजा में मरने के बाद दोजख में जले। अल्लाह पाक ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। उस जमाने में लोगों की उम्र बहुत बड़ी बड़ी होती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम में बस करते रहे कि लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहा मानो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को न माना और अपने कानों में उंगलियां डाल दी और कपड़े ओढ़ लिए ताकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ कानों तक न पहुँचे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत न हारी, वह बराबर समझाते रहे और कहते रहे, लोगों अल्लाह से मुआफ़ी मांगो, वह बड़ा मुआफ़ करने वाला है। वह तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सको और उसके जरिए से बड़े बड़े बाग पैदा कर देगा, इनमें नहरें पैदा कर देगा, तुम्हें माल व दौलत देगा और बेटे देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खुदा को नहीं मानते, हालांकि उसने आसमान बनाए, चांद और सूरज बनाए। उसने तुमको मिट्टी में पैदा किया और फिर उसी मिट्टी में एक दिन तुम मिल जाओगे और फिर कियामत के दिन उसी मिट्टी से तुमको दोबारा जिंदा करेगा। लेकिन लोगों ने अपने बुतों को नहीं छोड़ा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम अपने बुतों को हरगिज न छोड़ेंगे और हम तो तुमको अपने जैसा आदमी ही देखते हैं और तुम्हारा कहना भी सिर्फ चंद गरीब लोगों ने माना और हम तो तुमको झूठा समझते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी कौम, मैं तुमका जो नसीहत करता हूँ उसके बदले में तुमसे कोई माल व दौलत नहीं चाहता, और जो गरीब आदमी मुसलमान हुए हैं और अल्लाह पर ईमान लाए हैं उनको मैं अपने पास से तुम्हारे कहने से निकालूंगा नहीं। अगर मैं उनको अपने पास से निकाल दूं तो खुदा के अजाब से मुझे कौन बचाएगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो बहुत नाइंसाफ हो जाऊंगा। उनकी कौम के लोगों ने कहा, नूह तुमने हमसे झगड़ा बहुत कर लिया, अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से डराते हो वह ले आओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब अल्लाह पाक चाहेंगे अजाब ले आएंगे। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वही के जरिए से हुक्म भेजा कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके अलावा और कोई ईमान न लाएगा, तुम गम न करो, एक किश्ती बनाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा का हुक्म के मुताबिक किश्ती बनानी शुरू की तो जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनको किश्ती बनाते हुए देखते तो उनका मजाक उड़ाते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनके मजाक के जवाब में कहते कि आज मजाक कर लो, कल जब तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा तो उस वक्त हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आखिर अल्लाह ताला का अजाब उसके वादे के मुताबिक आया, जमीन से पानी निकलना शुरू हुआ और आसमान से बारिश आनी शुरू हुई। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सब जानवरों का एक एक जोड़ा किश्ती में सवार कर लो और जो लोग तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं यानी मुसलमान हो गए हैं उनको सवार कर लो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस किश्ती में सवार होने वालों से कहा कि अल्लाह ताला का नाम लेकर इस किश्ती में सवार हो जाओ कि इसका चलना और ठहरना उसी के हाथ में है, अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। किश्ती उन सबको लेकर लहरों में चलने लगी तो उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ऐ बेटा हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत हो। उसने कहा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वह पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज खुदा के अजाब से सिवाय खुदा के कोई बचाने वाला नहीं। इतने में दोनों के दरमियान एक पानी की लहर उठी और वह डूब गया। फिर खुदा ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि अपना पानी निकल जा और आसमान को भी हुक्म दिया कि पानी बरसाना बंद कर दे, यहाँ तक कि पानी खुश्क हो गया और तमाम काफिर दुनिया में खत्म कर दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती को हजूदी पर ठहरी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से अर्ज किया कि मेरे रब, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से है और आपका वादा सच्चा है। यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मतलब था कि अल्लाह ताला आपने वादा फरमाया था कि तेरे घर वालों को इस तूफान से बचा लूंगा, फिर मेरा बेटा क्यों डूबा। तो खुदावंता ने फरमाया कि नूह तेरा बेटा तेरे घर वालों में से नहीं था क्योंकि उसके अमल अच्छे नहीं थे,
मैं तुझको नसीहत करता हूँ कि ऐसी बात न कर जो तेरे इल्म में नहीं, इसलिए कि कनान अल्लाह के इल्म असली में काफिर था और यह बात नूह अलैहिस्सलाम के इल्म में नहीं थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से तौबा की और अपने कहने की मुआफ़ी चाही। अल्लाह पाक ने उनको मुआफ़ कर दिया और हुक्म दिया कि नूह हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उतर। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से दुनिया बसी और आहिस्ता आहिस्ता उनके बाल बच्चे आबाद होते गए। ये सब लोग खुदा की इताअत करते रहे। जमाना गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने फिर बहकाना शुरू किया तो ये लोग खुदावन को भूलने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के इतने बड़े पैगंबर थे, अपने बेटे को उसके बुरे कामों की वजह से अल्लाह ताला के अजाब से न बचा सके। इस तरह अगर हमारे माँ बाप अल्लाह के कितने ही वली क्यों न हो, अगर हमारे अमल अच्छे न हो तो वो हमको अल्लाह ताला के अजाब से न बचा सकेंगे। हमको अपने बुजुर्गों के नेक अमल का सहारा नहीं लेना चाहिए बल्कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कामों पर अमल करके नेक बनना चाहिए। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि अगर तुम एक जर्रा बराबर भी नेकी करोगे तो उसका बदला हम तुमको देंगे और अगर एक जर्रा बराबर भी बुरा अमल करोगे तो वह भी तुम्हारे सामने आ जाएगा।